नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। रीवा की महिलाओं ने एक नया निर्णय लिया है। जी हाँ, नया ही मैं कहूँगा। रीवा शहर में पहली बार मास्टर शेफ प्रतियोगिता होने जा रही है। मैं आपको कुछ बेहतर बताऊं, उससे ज़्यादा बेहतर, ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन की पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है। मैं इसी टीम से बात करूंगा और जानने समझने की कोशिश करूंगा ये मास्टर शेफ प्रतियोगिता आखिर है क्या। मास्टर शेफ प्रतियोगिता रीवा शहर में पहली बार होने जा रही है और इसका सहयोग मिला है हमें मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग से। और प्लेटफॉर्म रीवा शहर के लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं और उस संस्था से जुड़कर हम चाहते हैं कि रीवा का बघेली व्यंजन, जिसको आज तक कोई मुकाम हासिल नहीं हुआ है, तो हमारा पूरी तरीके से और रीवा की पूरी जनता से हमारी एक अपील है कि रीवा के बघेली व्यंजनों को ज़्यादा से ज़्यादा पेश करें और इस प्रतियोगिता में भाग लें। बघेली व्यंजन को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म का इंतज़ाम किया गया है, वो इंतज़ाम है ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन का। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, ये प्रतियोगिता किस तरीके से होगी? खाना तो बहुत तरीके के बनते हैं, इसको आप लोगों ने कैटेगरी वाइज कैसे बांटा है? इसको हम लोग ने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, वेज, नॉन वेज और स्वीट डिश और डेकोरेशन। तो उसमें आपको रेसिपी घर से बना के लानी है और साथ में उनकी रेसिपी भी, डिश घर से बना के लानी है बट रेसिपी साथ पे लेके आनी है। वहाँ पे अगर कोई रेसिपी, कोई भी जो डिश जो है वो सिलेक्ट होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको बना के भी देखा जा सकता है। ये एक बड़ी बात है, इसका सीधा सा अर्थ है रेसिपी को चोरी नहीं किया जा सकता, रेसिपी आपको साथ लानी पड़ेगी। अगर आपकी डिश जजों ने चुन लिया और यह कह दिया कि यही डिश मास्टर शेफ बनने लायक है, तो वो आपको डिश वहाँ पर बनवाई भी जा सकती है। इस तरीके की कुछ बात भी निकल कर आ रही है। ये बताइए, जिस तरीके से आप लोगों ने ये सब कुछ तय किया, तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से ये प्रतियोगिता को आप आगे बढ़ाएंगे? इस प्रतियोगिता में मेरा मानना है कि हम सभी महिलाएँ किसी न किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं और मैं अर्चना सिंह बघेल, मैं अपना नाम इसलिए बता रही हूँ कि बघेली व्यंजन सामने आ रहा है, तो उसमें हम लोग इंदरहर, कढ़ी, बरा, मुगौरा और बहुत सारी ऐसी डिशें बनाते हैं और हमारे हर घर में एक, मतलब एक मास्टर शेफ है। मैं बीच में रोकूंगा आपको, इसको कहते हैं एक उत्साह कहिए या पार्शलिटी, अभी से होने लगी बघेली व्यंजनों की प्रतियोगिता है। बघेली व्यंजनों को हम एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं, तो जैसा आपने खुद कहा कि ये हमारे लिए एक बड़ी बात है, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए लगातार उत्साही हैं और वो चाहते हैं कि प्रतियोगिता जल्द से जल्द हो। बताइए और क्या कहेंगे जी? और बहुत सारे लोगों ने तो हमारे पास पूछा फ़ोन लगा लगा करके कि मैम ये कैसे हो रहा है कैसे, तो हमने सब कुछ वो बताया जो भी मैम ने बताया, तो सब बहुत उत्साहित हैं। और मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि हर घर से एक मास्टर शेफ निकले और हमारे सामने आए। ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन महिलाओं का सबसे बड़ा संगठन चाहता है हर घर से एक मास्टर शेफ निकले। तमाम बातें हो गई, अभी तक ये किसी ने नहीं बताया ये प्रतियोगिता कहाँ पर होगी और किस दिन होगी। ये प्रतियोगिता आपको 19 मार्च को 11 बजे से 4 बजे तक प्रेजेंटेशन करना होगा। और ये प्रतियोगिता 19 मार्च को होगी, दिन होगा शुक्रवार, जगह होगी फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, पर्यटन विभाग के सौजन्य से। पर्यटन विभाग लगातार तरह तरीके से मध्य प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करता है, उसी तरीके से रीवा के पर्यटन विभाग फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ने यह तय किया कि यहाँ की जो भी डिशें हैं उनको हम एक अंतर्राष्ट्रीय मंच देने की कोशिश करें। उसके लिए रीवा की तमाम महिलाओं को जोड़ा गया है और जोड़ने का काम करने की कोशिश की है यहाँ के महिलाओं के सबसे बड़े संगठन ब्यूटी पार्लर संगठन ने। इस संगठन में लगभग 400 से 500 महिलाएं हैं और उन महिलाओं ने तय किया उनका जो भी ब्यूटी पार्लर है जिस एरिए में भी है वहाँ पर वो लोग उसकी एंट्री लेंगे। और एंट्री लेने के बाद, एंट्री लेने का बड़ा आसान सा है, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये हो गई आपकी एंट्री। रेसिपी आपको लेके आनी है, डिश घर से बना कर लानी है। 19 तारीख को ये कार्यक्रम होगा और इस प्रतियोगिता में जिस तरीके से जो भी नई बात निकल कर आएगी वो मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान जावेद अंसारी को बाबू के साथ दीजिए इजाज़त।